देशात काँग्रेस पक्ष कमजोर झाला असून या पक्षाला ऊर्जित अवस्था जरी प्राप्त झाली तरी काही उपयोग नाही या पक्षात आता काहीच राहिले नाही अशा शब्दात एमआयएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार असुद्दीन ओवीसी यांनी काँग्रेस पक्षावर जहरी टीका केली आहे पार्श्वभूमीवर एमआयएमचे राष्ट्रीय राष्ट्रीय खासदार असुद्दीन ओवीसी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सभा पार पडली आहे त्यावेळी ओवीसी बोलत होते यावेळी खासदार इम्तियाज जलिल पुणे कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार हिना मोमीन आदी मान्यवर उपस्थित होते देशात भाजपची सत्ता आल्यापासून मॉब लिचिंगच्या घटना घडतात या घटनांमध्ये निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला देशात कांग्रेस पक्ष आता कमजोर ऊर्जित अवस्था जरी प्राप्त नहीं अभी जहरी टीका झगड़ा है इंसाफ की जब बात होती है तो बोलते हैं देखो भड़काओ भाषण कर दिया बताओ जितने लोग यहां बैठे क्या आप मेरी बात से मुतफिक है या भड़का भाषण है बोलो मेरे भाई ये सच है या झूठ कह रहा हूं मैं तुमसे मुझे मालूम है कि जो मीडिया के बड़े बड़े लोग बैठे हैं उनको अभी से सर में दर्द शुरू हो गया होगा मगर मुझे तुम्हारे सर में दर्द की फिक्र नहीं है मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं जब रजोना ने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मर्डर किया टेररिस्ट है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक है तो डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल तुमने वहां पर क्यों किया यहां पर भी कर देते अच्छा चलो क्या तुम ग्यारह रबी अवल के दिन जो मुंबई ब्लास्ट में एक औरत जिसकी मारुति उसकी है, तुम छोड़ोगे उसको क्या तुम छोड़ोगे उसको नहीं छोड़ेंगे अच्छा किसको करेंगे आप देखो टिकट किसको दिया बीजेपी ने मेरे भाई इससे बड़ी तोहिन महाराष्ट्र के पुलिस फोर्स की नहीं हो सकती जिस मोहतरमा ने इलेक्शंस के दौरान पोलिंग से पहले कहा कि मैंने हेमंत करकरे की मौत इसलिए हुई क्योंकि मैंने उसको शराब दिया बदवा दी शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जिस शख्स ने वो पाकिस्तान से आए हुए शयातीन वो जालिम वो टेररिस्ट जो मुंबई की सड़कों पर इंसानियत का खत्लेआम कर रहे थे हमारे भारत की सरजमीन को भारत के वासियों से खून से लाल कर रहे थे और वो अजीम मुजाहिद हेमंत करकरे ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया उसको बीजेपी ने टिकट दिया उसको कामयाब भी किया अब आप बताइए जिसने कहा कि गोडसे को मैं मानती हूं कोई कुछ नहीं बोले मोदी जी अब तक आपके पार्टी में बैठी है मोहतरमा वो जिसने करकरे के बारे में कहा गुटसे के बारे में कहा और हमारी एक एक बात का माइक्रोस्कोप लगाकर उर्दू का एक ट्रांसलेटर रखकर देखते हैं कि इसने क्या बोला आज ये शेरवानी आज क्या बात की है आप बोलेंगे तो कुछ नहीं और जब हम उसका जवाब देंगे तो आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों यही चीजें हैं जिसका आपको ख्याल और लिहाज रखना है आप बताइए इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन दी दे दिया गया और हमको महाराष्ट्र में हम भी बैकवर्ड हैं पूरे मुसलमान नहीं जो 50 कास्ट है मुसलमानों में कास्ट रियलिटी है आप उनको नहीं देते मराठाओं को देते हैं हम मराठाओं से ज्यादा गुर्बत हमारे पास है मराठों के हर चीफ मिनिस्टर बना हमारे पास एक अब्दुल रहमान अंतोले बने थे हर चीज उनके पास मगर हमको रिजर्वेशन नहीं मिलता ये कौन सी इंसाफ की बात है बताओ आप और कोई नहीं बात करेगा मेरे भाई और जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं ना